सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इंडियन व्हीकल्स वाले थ्री गेम्स, और इस वीडियो में आज हम लोग दिखाने जा रहे हैं तुम लोग कैसे न्यू कार को स्टंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। न्यू क्या बोलते हैं, रेंज रोवर ओल्ड वर मॉडल, और कैसे सुप्रा MK4 को कैसे स्टंट करा सकते हो, सब कुछ एकदम इस वीडियो में बताएंगे। और जो भाई लोग इस गेम को अपडेट नहीं किया तो सो जाओ एक बार प्ले स्टोर पर जाके अपना गेम इंडियन व्हीकल्स वाले थ्री को अपडेट कर लो, और अपडेट पर दोस्तों देख सकते हो तुम लोगों को मिल जाएगी टोचन किंग। दोस्तों देख सकते हो टोचन किंग एकदम ज़बरदस्त लग रही है, पीछे की निशु देशपाल भाई की फ़ोटो है, ठीक है। सो चलो अब हम बता देंगे कैसे स्टंट करते हैं। सो स्टंट करने के लिए तुम लोग कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, इधर सिमुलेशन पे जाके इधर फन मोड ऑन कर लेना और सेव कर देना, ठीक है। सो जैसे तुम लोग सेव कर दोगे इधर कोने पे जाना, और मैं जैसे जैसे दोस्तों देख सकते हो इधर 240 पे 300 कर देना, और इधर 3000 को एक ज़ीरो लगा देना पीछे, और 500 के पीछे भी एक ज़ीरो लगा देना, और ऐसे सेटिंग हर कार पे तुम लोग कर ले अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद दोस्तों तुम्हारी कार कुछ ऐसे स्टंट करेगी, मैं मेरा कार जैसे स्टंट कर रही है दोस्तों, तो तुम लोग देख ही सकते हो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ और कैसे मेरा जो कार है वो स्टंट कर रही है। सो उसको देख सकते हो, ये है रेंज रोवर जो कि न्यू मॉडल और ऐसे स्टंट कर रही है। सो रेंज रोवर ओल्ड मॉडल कैसे स्टंट करती हैं वो भी दिखाएंगे दोस्तों। सो चलो वीडियो को एकदम शुरू से लेके एंड तक देखना, और जो भाई लोग मेरे चैनल पर हैं तो भाई वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग और मस्तर गेमप्ले वीडियो तुम लोगों को भाई चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो उसको देख सकते हो हमारी रेंज रोवर न्यू मॉडल कुछ ऐसे स्टंट करती है। सो चलो अब दिखाएंगे आप हमारा रेंज रोवर ओल्ड मॉडल कैसे स्टंट करते हैं, ठीक है। उसको भी ऐसे सेटिंग करने देना है, और उसको देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो रेंज रोवर ओल्ड मॉडल ये भी बहुत ज़्यादा स्टंट कर रही है। सो तुम लोग स्टंट का वीडियो चाहते हो या किसी और का भी वीडियो चाहते हो तो तुम लोग मेरे को कमेंट पे बता सकते हो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स का। सो उसे देख सकते हो बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से हमारी जो रेंज रोवर कार है वो स्टंट कर रही है, ठीक है। सो अगला हम लोग दिखाएंगे कैसे तुम लोग सुप्रा एम को भी कैसे स्टंट करा सकते हो, ठीक है। सो चलो अब हम इसको स्टंट करके दिखा रहा हूँ, और तुम लोगों को भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बता देना। अगर तुम लोग कुछ भी जानना चाहते हो तो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में तुम लोग बता सकते हो, ठीक है। और उसको देख सकते हो ज़बरदस्त स्टंट कर रही है हमारी जो ये वाली रेंज रोवर ओल्ड मॉडल, ठीक है। सो चलो अब हम दिखाएंगे हमारे गेम पे जो सुप्रा MK4 को तुम लोग कैसे अपने गेम पे स्टंट कराना चाहते हो भाई। उसके लिए तुम लोग कुछ अलग सेटिंग करना पड़ेगा दोस्तों, देख सकते हो उसमें तुम लोग व्हील्स थोड़ा बड़ा कर देना तब भी जाके होगा, नहीं तो सुप्रा MK4 की जो छोटा टायर है उस पर भाई नहीं स्टंट होता है। स्टंट करने के लिए भाई बड़ा टायर लगाना पड़ेगा, मतलब व्हील्स लगाना पड़ेगा तभी जाके स्टंट करेगा। किसी भी कार स्टंट करेगा भाई बड़ा व्हील्स लगा देना और ज़बरदस्त चलेगा, ठीक है। सो बहुत ज़बरदस्त स्टंट करेगा। सो चलो वीडियो कैसी लगी कमेंट पे बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो तुम लोग क्या कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग मस्तर और भी गेम प्ले वीडियो चाहते हो और अपडेट के रिलेटेड वीडियो चाहते हो, ठीक है। सो चलो आज के लिए भाई वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।